सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम निपुण हरियाणा जो टीचर ऐप है उसके बारे में जानेंगे और उस पर हमें बच्चों की असेसमेंट किस प्रकार करनी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि हमने देखना है कि हमारी जो निपुण ऐप है उसका वर्जन लेटेस्ट होना चाहिए। उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएँ। प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जो निपुण टीचर ऐप है उसको लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास इसके लिए कोई अपडेट आ रहा है। अगर कोई अपडेट है तो उस अपडेट को पूरा करेंगे और उसके बाद हम ऐप को ओपन करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ ऐप को ओपन किया है तो अब आप यहाँ पर अपने जो क्रेडेंशियल है उनको डालिए। यहाँ पर आपने अपनी टीचर आईडी डालनी है, जो भी आपकी टीचर आईडी है उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर वो एक अंक में है तो उसके साथ आपने 07 ज़रूर लगाना है ताकि यहाँ पर सही प्रकार से लिखा जाए। कई बार जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक समस्या आ सकती है कि फेल टू वेरीफाई क्रेडेंशियल। ये इस कारण है कि क्या है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है वो DDMMYY भी हो सकता है और MMDDYY भी हो सकता है। तो फिर आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में महीना पहले है उसको आप पहले लिखें, फिर दिन लिखें और फिर साल लिखें। इस प्रकार आप आसानी से लॉगिन कर पाओगे। तो ऐसे जब आप लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आप क्या देखोगे कि शुरू में डेली अपडेट फॉर पेरेंट्स है और दूसरे नंबर पर क्या है कि मॉक असेसमेंट है। अगर आपको बच्चे की असेसमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो आप यहाँ पर हिंदी, मैथ या इंग्लिश की मॉक टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको क्या सहायता मिलेगी? आपको ये सहायता मिलेगी कि आप एक बार जान जाओगे यह ऐप किस प्रकार से कार्य कर रही है। उसके बाद हमने बच्चे की जो पीरियोडिक असेसमेंट है उसको करना है। तो यहाँ पर ये हो सकता है यू हैव 0 पीरियोडिक असेसमेंट टू टेक। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यह चेक करेंगे कि क्या अध्यापक को निपुण हरियाणा डैशबोर्ड पे क्लास अलॉट की गई है। तो आइए चलिए हम उसको देखते हैं। इसके लिए हम निपुण हरियाणा जो डैशबोर्ड है उसको खोल लेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो हमारे पास इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। आप जिस विद्यालय में कार्यरत हो उस विद्यालय का आपने यहाँ पर UDIGE कोड लिखना है। उसके 10 अंक होने चाहिए और शुरू में शून्य नहीं लगाना है। तो जैसे ही वही आपका पासवर्ड है, जो आपका UDIGE कोड है वही आपका पासवर्ड है। अब हम देखेंगे कि क्या सभी टीचर्स को यहाँ पर क्लास अलॉट की गई है, और अगर जिस अध्यापक ने असेसमेंट करनी है उसको क्लास अलॉट नहीं की गई है तो हम यहाँ पर आकर उसे क्लास अलॉट कर सकते हैं। जैसे मैं इस अध्यापक को कक्षा 2 अलॉट कर रहा हूँ और उसका जो सेक्शन ए है इंग्लिश। तो जैसे ही हम इसको कक्षा अलॉट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ऐप है वहाँ पर बच्चे दिखने लग जाएंगे। आइए अब हम उस ओर चलते हैं। अब जैसे ही मैंने निपुण हरियाणा टीचर ऐप को दोबारा से खोला है तो यहाँ पर क्या है कि जो ये मॉक टेस्ट है जब मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वह जो कक्षा मैंने अलॉट की थी वह कक्षा और उसमें सभी बच्चे मुझे यहाँ पर नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पहले मॉक टेस्ट कर सकते हो और मॉक टेस्ट करने के बाद आप जो आपकी पीरियोडिक असेसमेंट है उसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पीरियोडिक असेसमेंट 2 दी गई है। यह अलग अलग विषय हैं हमारे, हिंदी है, मैथ है और इंग्लिश है, उसके लिए है। तो हम जो भी असेसमेंट शुरू करेंगे उसके बाद कक्षा सेलेक्ट करेंगे। अब हम जो बच्चे हमारे रह चुके हैं वो यहाँ पेंडिंग में नज़र आएंगे। अगर हमने किसी बच्चे के साथ कार्य कर लिया है तो वो बच्चे हमारे यहाँ पर नज़र आएंगे। तो इस प्रकार हम इन बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये शुरू करोगे तो आपको वह जो पीरियडिक असेसमेंट है वह नज़र आनी शुरू हो जाएगी और आपने इसको पूरा करना है। सही प्रकार से पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे कि अंत में हमारे पास जो सबमिट का बटन है वो दबाएंगे तो इस प्रकार हमारी
जो अटेंडेंस है या हमारी जो बच्चे की असेसमेंट है वह पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम असेसमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर हमने किसी बच्चे की असेसमेंट ऑफलाइन करी है, किसी कारण से वह नज़र नहीं आ रहा है या उपस्थित नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी ये ऑफलाइन असेसमेंट करने के बाद फिर भी हमें उसके जो मार्क्स हैं वो मार्क करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार हम इस असेसमेंट को पूरा कर सकते हैं। साथियों, मैं आपके साथ एक दो बात और शेयर करना चाहूँगा। आप MIS पोर्टल पर भी अपने बच्चों का डाटा ज़रूर चेक कर लें। उसके लिए आपने MIS पोर्टल को खोलना है और फिर जो आपका स्कूल और एम्प्लॉई लॉगिन है उसमें अपनी आईडी से ही लॉगिन करना है, जो आपकी आईडी है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। अब आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाके ये देखना है कि आप बच्चे को सेक्शन अलॉट ज़रूर कर दें, सब्जेक्ट एलोकेशन पूरी कर दें और रोल नंबर उसको असाइन कर दें। जब तक आपका MIS पे पूरा डाटा नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे हमें वहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। अगर किसी कारण से आपका किसी बच्चे का रोल नंबर या सब्जेक्ट एलोकेशन या सेक्शन रह जाता है तो आप उसे अलॉट करने के बाद इस डाटा को वहाँ ज़रूर देखें, ताकि हम जैसे हम कक्षा सेकंड के लिए देख रहे थे तो हम देखेंगे कि क्या है, तो ऊपर आया है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि सभी बच्चों को हमने सेक्शन, सब्जेक्ट एलोकेशन और रोल नंबर अलॉट कर दिया है। जिन जिन बच्चों का MIS पर डाटा पूरा होगा वो बच्चे हमें उस ऐप पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब जब हमारे बच्चों का डाटा MIS पर पूरा है तो उस डाटा को यहाँ लाने के लिए हम एक ऑप्शन है यहाँ पर, उसे देखेंगे, वह है सिंक विद MIS। हम यहाँ पर अपने विद्यालय का UDISE कोड डाल लेंगे और उसको डालने के बाद जिस भी कक्षा के हमें बच्चे सिंक करने हैं उन बच्चों को यहाँ पर सिंक करेंगे। जैसे मैं कक्षा 2 के लिए कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर आ गया है कि 25 स्टूडेंट्स सिंक विद MIS सक्सेसफुली। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस टैब को बार बार प्रयोग नहीं करना है। अगर हम इसको बार बार प्रयोग करेंगे तो इससे ये समस्या आएगी कि हमारी जो साइट है उस पर लोड बढ़ जाएगा और हो सकता है आपको काफ़ी देर वेट करना पड़े। तो इस प्रकार आप टीचर को भी और विद्यार्थी को भी इस टैब के माध्यम से सिंक कर सकते हैं और यह जो हमारी पीरियोडिक असेसमेंट 2 है इसको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमें इस पीरियोडिक असेसमेंट को गुणवत्तापूर्ण बनाना है, ताकि हम हर बच्चे की वास्तविक स्थिति को जांच सकें और उसके बाद हमें उस विद्यार्थी के साथ क्या रिमेडियल कार्य करना है उस पर चर्चा की जा सके और बच्चे को जो निपुण हरियाणा मिशन है उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।